सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइज, आप देख रहे हैं ऑटो एक्सपर्ट सोलंकी की एक और नई वीडियो। आज हम बात करने वाले हीरो एक्सट्रीम 160R के बारे में। 200 भी जो है इसके अंदर मॉडल आता है और 200 मॉडल जो है अभी अवेलेबल नहीं है कोई भी तो रीज़न की वजह से। सो अभी हम जानने वाले हैं अंदर की तरफ, तो चलिए चलते हैं। आज हम देख रहे हैं हीरो की एक्सट्रीम और बिल्कुल नए एडिशन के साथ जो है ये बाइक आ चुकी है और इसका जो लुक है वो आगे से आप जो है चेकआउट कर सकते हैं। सो कुछ इस हिसाब से जो है इसका लुक आपको देखने को मिलता है, वाइट रेड और एक ब्लू कलर में जो आपको देखने को मिल जाएगी। और आप जो लुक है वो पूरा चेकआउट कर सकते हैं। एक्सट्रीम की जो बैजिंग है वो आप इधर चेकआउट कर सकते हैं। तो साइड लुक से कुछ इस प्रकार की बाइक देखने को मिलती है आपको और इसके जो टायर साइज़ है वो आप चेकआउट कर सकते हैं। इतना अच्छा लुकिंग में जो आपको अलॉयज देखने को मिलते हैं इस बाइक के अंदर। तो साइड से लुक जो है आप चेकआउट कर सकते हैं। पीछे का लुक जो है इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो आपको स्मोक लाइट्स मिलती है, फ्लैशिंग इंडिकेटर्स जो आप चेकआउट कर सकते हैं पूरे LED सेटअप्स के साथ में। और ये जो लुक है इस बाइक का आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके अंदर जो आपको टायर की जो है आप कह सकते हैं ग्राफिक्स जो आपको देखने को मिलते हैं अलॉयज़ के साथ में। इसमें डुअल डिस्प्रेक वाला भी ऑप्शन आता है, ABS के साथ में जो ये बाइक आती है। इसके अंदर पीछे जो आपको एक ड्रम ब्रेक का ऑप्शन है और ये है आपके मफलर जिससे साउंड काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। पीछे का ब्रेक पेडल आपको दिया गया, किक भी जो आपको इसके अंदर मिल जाएगी। और ये पूरा जो चेसिस है आप पूरा जो लुक है वो चेकआउट कर सकते हैं। पीछे के लिए फुट रेस्ट और ये आपके फर्स्ट मफलर जो सी यहाँ से जो है ना पूरा साउंड जो फिर पे होके आता है। और ये जो आपके किलोमीटर्स की वायर वगैरह और ये जो लुक है आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का लुक जो आप चेकआउट कर सकते, काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न और यूनिक स्टाइल में और पूरा जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा और स्पोर्ट्स बाइक वाला लुक जो है आपको देखने को मिलता है इसके अंदर। जैसे लाइट का बटन भी जो आपको स्पेशली दिया गया है इसके अंदर आप जो चेकआउट कर सकते हैं। या आपके डिपर वगैरह इंडिकेटर्स वगैरह की प्लेसमेंट कुछ इसका हॉर्न इस प्रकार से बजता है। आपके इंजन किल स्विच और बाकी प्लेसमेंट आगे से जो लुक है वो इस प्रकार का आपको देखने को मिल जाएगा। और इसके अंदर आगे की तरफ जो आपको डिस्प्लेक्स का ऑप्शन मिलता है, इंडिकेटर्स जो आपको LEDs मिलेंगे, ट्रिपल LEDs मिलते हैं आपको। रेड कलर में जो है अपनी बाइक देखी है। सो ये जो इसका लाइटिंग सेटअप है आप चेकआउट कर सकते हैं। डीपर में जो है ये वाली लाइट चालू हो जाती है और ये जो इसके आगे का लुक है पूरा LED सेटअप है। और आगे मेड भी आप तो इसका साउंड भी जो है आपने सुन लिया है। वाइट कलर की तरफ चलते हैं जो इसका साउंड आप चेकआउट कर लीजिए। सो ये कुछ इसका साउंड का जो आउटपुट है आपने सुन लिया है। तो चलिए वाइट कलर की तरफ चलेंगे।
सो इसके अंदर जो आपको वाइट कलर का भी ऑप्शन मिलता है, और ये जो आपके ब्लू कलर जैसे मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, और इसके अंदर जो DRL वाला जो लाइटिंग सेटअप है आपने देख लिया था, इसके अंदर एक स्पेशल फीचर है, जैसे कि हम इसको साइड स्टैंड में रखी हुई है गाड़ी और हमने जो है स्टार्ट स्टैंड खोल रखा है, सो उसके बाद जो आपकी बाइक बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं होने वाली। और ये इसका एक मेन जो आप कह सकते हैं सेफ्टी फीचर है। इसके सीट के कम्फर्ट की बात करेंगे, सो ये है कुछ इसका सीट का कम्फर्ट, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और लेदराइट सीट्स आपको मिलती है, फुटरेस्ट भी अगर आप जो देखें तो मिल सकता है, और पीछे में जो आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन मिल जाता है। इसका भी बैटरी डेड है इसलिए ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। सो ये ब्लू कलर में और ब्लैक कलर में काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्पोर्ट्स लुक आ रहा है। इसके जो आप देख सकते हैं आपका टैंक है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंडेड है, जिससे लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। ये आप देख सकते हैं केबल जो कि बैटरी से कनेक्ट होकर आपके जो पूरा इग्निशन है चालू हो जाता है, और ये है फुटरेस्ट वगैरह। सो लुक जो आपने देख लिया, इसके अंदर एक स्पेशल फीचर मेरे को लगा कि हैजर्ड लाइट का ऑप्शन जो आपको मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है आपको, और लुक्स में काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है बाइक ये। सो इसके अंदर 200 वाला भी जो आपको वेरिएंट देखने को मिलता है, और ये जो है 160R मतलब 160cc का है, और लुक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं इसके। अलॉयज का लुक जो आपने देख लिया, हॉर्न का जो रिस्पॉन्स है नॉर्मल सा जो आपको हॉर्न देखने को मिल जाएगा, यहाँ की तरफ जो आपको रिफ्लेक्टर्स वगैरह की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। ABS की ब्रांडिंग भी जो है इधर आपने देख ली है, ये शोरूम का नाम है, आप चेकआउट कर सकते हैं। और ये जो आपकी DRL वाला लुक, ये जो केबल आप देख रहे हैं ये आपकी अपने कह सकते हैं जो स्पीडोमीटर की केबल आती है वो आपको देखने को मिल जाएगी, आप देख सकते हैं ये वाला। सो इंजन काफ़ी ज़्यादा अच्छा और ब्लैक लुक के साथ जो है आपको देखने को मिलेगा, जो कि अच्छा जो लुक है वो प्रोवाइड कराता है। सो अगर आप बात करेंगे इसके पीछे के सस्पेंशन के बारे में, सो पीछे आपको जो है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाएगा कॉइल स्प्रिंग के साथ में, जो कि लुक जो आप चेकआउट कर सकते हैं। इसमें जो वाइट कलर का जो लुक है वो आप इधर देख सकते हैं। सो ये जो है 3 कलर वेरियंट है, इसके अंदर 200 वाला भी जो है मॉडल आता है वो अभी अवेलेबल नहीं है। अगर आप बात करेंगे इसकी लाइटिंग सेटअप का, सो ऊपर की तरफ जो आपकी लो बीम है ये जो है हाई बीम वाला है, ये मैंने इसको डीपर पे सेट किया हुआ, मतलब डीपर पे सेट है ये पूरी लाइटिंग। सो आपको दोनों लाइट जो है चेकआउट कर सकते हैं, इस बटन से जो है ये कंट्रोल होती है। सो रिस्पॉन्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, एज़ ए लाइट के साथ में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है इसका। सो अगर आप पूछेंगे इसकी की का रिस्पॉन्स, नॉर्मल सी लो नॉर्मल लुकिंग की है, इतनी खास की जो आपको देखने को नहीं मिलेगी, नॉर्मल सी की है, और यहाँ पर जो आपके की इंसर्ट हो जाती है, डुअल की मिलती है आपको, चेकआउट कर सकते हैं, और यहाँ इंसर्ट हो गया। और इसका मेरे को इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा छोटी सी MID के साथ में। तो चलिए इसी साथ इस वीडियो को एंड करने जा रहे हैं। सो विद दिस एड गाइस, अब जब टाइम आ गया वीडियो को एंड करने का, और आप चाहते हैं कि आपको डिस्काउंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिले इस शोरूम के अंदर, सो पूरा जो डिस्काउंट है वो आपको मिलता है 6,500 का। वो कैसे मिलता है वो मैं आपको बता दूँ, जो कि पहला आपको डिस्काउंट मिलता है वो आपको लॉयल्टी एक्सचेंज डिस्काउंट मिलता है, जिसमें जो आपको 4,000 का प्रॉफिट हो सकता है अगर आपकी बाइक के साथ में RC है और आप बाइक एक्सचेंज में देना चाहते हैं, सो आपको 4,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट और आप गवर्नमेंट जॉब के साथ में बाइक लेने चाहते हैं, और उसमें जो आपको 2,500 का डिस्काउंट मिलता है, टोटल आपको 6,500 का जो है डिस्काउंट मिल जाता है। अगर आप पूछेंगे इसकी जो प्राइस रेंज है वो क्या है, वो है आपको सिंगल डिस्क वाला अगर आप वेरिएंट लेते हैं, जो कि आपको आगे की तरफ जो है डिस्क ब्रेक मिलते हैं, वो मिलता है आपको लगभग 1,07,400, और अगर आप डुअल वाला लेते हैं तो 1,10,700 का आपको मिलता है। और ये जो प्राइस रेंज है वो आपको एक शोरूम मिलेगी, जो कि आप फ्लक्चुएट होते रहते हैं ऑन रोड प्राइस। सो ये जो आपको पूरा डिटेल मैंने बता दिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना ऑटो एक्सपर्ट सोलंकी को। अगर आप चाहते हैं मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना तो लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। अगर आप कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन चाहते हैं सो आपको लिंक में जो है पूरा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और लोकेशन मिल जाएगी। तो चलिए इस वीडियो को एंड करें, टिल देन कीप वॉचिंग एंड बाय।